दृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भारत माता की जय, ये लिखकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिस तरह से अपनी हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश की, आजमगढ़ में मिली बुरी हार को जनता के बीच जीत साबित करने के लिए, अखिलेश की जीत को हार साबित करने के लिए निरहुआ ने जैसी बातें लिखी है उससे एक बात तो साबित होती है। ट्विटर पर चौकीदार दिनेश लाल यादव निरहुआ के इस बयान से कहीं ना कहीं फैंस काफी भावुक हो गए हैं। आजमगढ़ में जिस निरहुआ का शब्दों से रो रो कर दर्द बयां करना सामने आया है, उनके इस दर्द में उनका दर्द बांटते हुए कुछ उनकी प्रशंसक है जिनका साथ देते नजर आए। जेके नाम के एक शख्स ने उन्हें लेकर लिखा, दिनेश भाई आप हार कर जीते हो, कौन कहता है आप हार गए, 30 साल की पार्टी, 3 बार मुख्यमंत्री, यादव के मालिक को जीत के लिए नाटक करना पड़ेगा, आप डटे रहिए स्मृति ईरानी की तरह, आसमां में होल कैसे नहीं होंगी, देश आपके साथ है, आजमगढ़ भी आपके साथ है, आजमगढ़ है उनके साथ, यह कहकर आजमगढ़ के रहने वाले ने निरहुआ का साथ दिया है और बताया कि निरहुआ का सहारा स्मृति ईरानी है, जिस तरह स्मृति ने हार मिलने के बावजूद कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो काम करती रही और एक बड़ी तादाद में जीत हासिल कर खुद को बाजीगर साबित कर गई। एक वक्त आएगा निरहुआ के लिए भी जब वो खुद भी बाजीगर साबित होंगे, बीजेपी के लिए गठबंधन की तोड़ेंगी कमर। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से तृप्ति की रिपोर्ट।